हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रेयर आनंद नर्सिंग फाइल। आज हम नर्सिंग फाउंडेशन का इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पर लर्न करने वाले हैं, जो यूनिट हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज का भाग है। इसके अंदर हम डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल मिस इसके जो हेडिंग्स हैं, टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज प्लानिंग, डिस्चार्ज प्रोसीजर, स्पेशल कंसिड्रेशन, मेडिकल लीगल इश्यूज एंड रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, नाम यूनिट में पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम हॉस्पिटल एडमिशन और नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी इन एडमिशन डिस्चार्ज को डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से वो नोट्स ले सकते हैं। और यहाँ हम केवल डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल को लर्न करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम डिस्चार्ज प्रोसीजर क्या होता है। द पेशेंट, द फैमिली, द मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सोशल वर्कर, डाइटिशियन, ऑल वर्कर वर्क टुगेदर टू कोऑर्डिनेट द डिस्चार्ज। द डॉक्टर प्लान द डिस्चार्ज विद द पेशेंट एंड लीव ए रिटन ऑर्डर ऑन द पेशेंट चार्ट। मीन्स हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट से कंसर्न, फैमिली, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सोशल वर्कर, डाइटिशियन है, सारे एक डिस्चार्ज प्रोसेस में कोऑर्डिनेट करते हैं, भाग लेते हैं। मीन्स पेशेंट के डिस्चार्ज प्लानिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो डॉक्टर होता है वो प्लान करता है डिस्चार्ज का, मीन्स पेशेंट को कब डिस्चार्ज किया जाएगा, हॉस्पिटल से कब लीव किया जाएगा, और वो एक रिटर्न ऑर्डर मीन्स एक तरह से डिस्चार्ज टिकट वो जारी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, द पेशेंट मे हैव कंसर्न रिगार्डिंग मैनेजिंग ऑन केयर एट होम, प्रोविजन सच एज होम हेल्थ केयर मे बी नीडेड एज ऑर्डर्ड, असेसमेंट टू बी डन एज टू व्हाट हेल्प द पेशेंट विल नीड एट होम, डिस्चार्ज प्लानिंग इन्वॉल्व द एंटर हेल्थ केयर टीम। मीन्स डिस्चार्ज के समय मीन्स जो डॉक्टर है वो कंसर्न होता है मिस पेशेंट को किस तरह से घर पर केयर देना है, भाई फैमिली मेंबर और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल वर्कर एंड जो भी केयर प्रोवाइड दी जाएगी घर पर, वो डॉक्टर एक तरह से उसको ऑर्डर करेगा। असेसमेंट नीड टू बी डन एज व्हाट हेल्प द पेशेंट विल नीडेड एट होम, मीन्स इसके साथ साथ डॉक्टर्स द्वारा असेसमेंट किया जाता है, मीन्स क्या क्या नीड्स पेशेंट को रिक्वायर है घर पर। नेक्स्ट, डिस्चार्ज प्लानिंग इन्वॉल्व द एंटायर हेल्थ केयर टीम, मीन्स जैसा बताया था डिस्चार्ज प्लानिंग में ऑल हेल्थ केयर टीम मेंबर का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो एक डिस्चार्ज प्लान को एक शेड्यूल्ड और अच्छा करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ देखते हैं यहाँ पर डिस्चार्ज का। डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल मीन्स रिलीविंग ए पर्सन फ्रॉम हॉस्पिटल सेटिंग हु एडमिटेड एज एन इन पेशेंट इन द हॉस्पिटल। मीन्स डिस्चार्ज क्या है, डिस्चार्ज मीन्स जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट था, इन पेशेंट, उसको हॉस्पिटल से रिलीव करना डिस्चार्ज कहलाता है। डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल मीन्स रिलीविंग पेशेंट और पर्सन फ्रॉम द हॉस्पिटल सेटिंग हु एडमिटेड एज एन इन पेशेंट इन दैट हॉस्पिटल। तो ये था डिस्चार्ज का डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ डिस्चार्ज। फर्स्ट, प्लान डिस्चार्ज, योर पेशेंट कंप्लीट्स द इनिशियल एक्चुअल मैनेजमेंट इन द हॉस्पिटल एंड हाउ एंड नाउ ही और शी नीड नॉट टू बी अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द हॉस्पिटल। मीन्स दिस इज प्लान डिस्चार्ज, मीन्स डिस्चार्ज एक प्लानिंग तरीके से हो, मीन्स जैसे भी बताया था ऑल हेल्थ केयर टीम मेंबर और कंसर्न पर्सनल विद पेशेंट जो डिस्चार्ज प्लानिंग को सेट करते हैं, और इसमें पेशेंट अपने जो भी इनिशियल और एक्चुअल मैनेजमेंट है वो पूरा करता है। पेशेंट कंप्लीट इनिशियल एक्चुअल मैनेजमेंट इन द हॉस्पिटल एंड नाउ ही और सी नीड टू बी अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द हॉस्पिटल। में जो भी डिस्चार्ज प्रोसीजर है, डिस्चार्ज प्लानिंग है, ये सारा
हॉस्पिटल मैनेजमेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अंडर में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, डीए में डामा एंड एलए में लामा। डिस्चार्ज ऑब्लिक लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइज, यहाँ पर एलए एम ए लामा मीन्स लीव या लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइज ड्यू टू एनी पर्सनल रीजन ऑफ द पेशेंट। दूसरों को डामा, डी एम ए डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइज, डामा मीन्स डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइज मीन्स पेशेंट का बिना किसी मेडिकल एडवाइज के हॉस्पिटल छोड़ना डामा या लामा कहलाता है। लीव अगेंस्ट लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइज और डामा डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइज। नेक्स्ट ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र टू अदर यूनिट और हॉस्पिटल मीन्स किसी वार्ड यूनिट या हॉस्पिटल से पेशेंट को दूसरी यूनिट वार्ड या हॉस्पिटल में भेजना, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिस्चार्ज। नेक्स्ट एब्सकॉन्ड, दिस इज एब्सकॉन्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, एब्सकॉन्ड पेशेंट वेंट आउट द हॉस्पिटल विदाउट डॉक्टर और अदर स्टाफ नॉलेज, और पेशेंट में एब्सकॉन्ड और लीव द हॉस्पिटल विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन मीन्स एब्सकॉन्ड में जो पेशेंट होता है वो हॉस्पिटल को बिना किसी हेल्थ पर्सनल, बिना किसी मेडिकल पर्सनल के छोड़ देता है। मीन्स पेशेंट बिना किसी को बताए हॉस्पिटल को लेफ्ट कर देता है। पेशेंट वेंट आउट हॉस्पिटल विदाउट डॉक्टर और अदर स्टाफ नॉलेज मीन्स न तो किसी भी स्टाफ को पता न किसी हेल्थ केयर पर्सनल को पता, और पेशेंट हॉस्पिटल को लेफ्ट कर देता है। पेशेंट में एब्सकॉन्ड लीव द हॉस्पिटल विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन मीन्स इसमें किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन नहीं होता ड्यूरिंग द एब्सकॉन्ड, तो भी एक डिस्चार्ज का टाइप्स है। यहाँ पर हमने पढ़ा था भी डामा लामा, लामा में मीन्स पेशेंट हॉस्पिटल को छोड़ रहा है मीन्स जो भी डॉक्टर्स या स्टाफ उसको पता है पर वो उनकी बिना किसी एडवाइस के हॉस्पिटल को लेफ्ट कर रहा है, दिस इज़ द डामा। और एब्सकॉन्ड मीन्स हॉस्पिटल को छोड़ रहा है पर डॉक्टर स्टाफ मेडिकल स्टाफ किसी को भी नहीं पता और पेशेंट हॉस्पिटल को लेफ्ट कर रहा है। नेक्स्ट नंबर फिफ्थ देखते हैं, रेफरल, रेफरल फॉर फर्दर मैनेजमेंट मीन्स पेशेंट को रेफर करना आगे के ट्रीटमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इंटरवेंशन के लिए, दिस इज द रेफरल। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज। नेक्स्ट देखते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग। यर फर्स्ट, नर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिस्चार्ज प्लानिंग इन द हॉस्पिटल, नर्स डिस्चार्ज प्लानिंग में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सेकेंड, कंटिन्यूटी ऑफ केयर इज इम्पोर्टेंट मीन्स डिस्चार्ज प्लानिंग और डिस्चार्ज के समय पेशेंट को कंटिन्यू केयर इम्पोर्टेंट है, जो उसको घर पर मिलना चाहिए आफ्टर डिस्चार्ज। नेक्स्ट, टू अचीव कंटिन्यूटी ऑफ केयर नर्स यूज क्रिटिकल स्किल एंड अप्लाई द नर्सिंग प्रोसेस मीन्स पेशेंट को जो भी कंटिन्यूटी केयर मिलेगा वो नर्स को उसमें क्रिटिकल थिंकिंग्स यूज करना है और उसको नर्सिंग प्रोसेस अप्लाई करना है। नेक्स्ट, डिस्चार्ज प्लानिंग इज ए सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेटेड इंटर डिसिप्लिनरी प्रोसेस, डिस्चार्ज प्लानिंग एक सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेटेड एंड इंटर डिसिप्लिनरी प्रोसेस है। नेक्स्ट, असेंशियल्स ऑफ प्लान डिस्चार्ज, प्लान डिस्चार्ज के असेंशियल्स क्या क्या है। फर्स्ट, रिटर्न ऑर्डर बाय डॉक्टर, प्लान डिस्चार्ज डॉक्टर द्वारा रिटर्न ऑर्डर में दिया जाता है। नेक्स्ट, सेकेंड, डिस्चार्ज कार्ड बनता है यहाँ पर या डिस्चार्ज टिकट इन्फॉर्मिंग अदर डिपार्टमेंट, डिस्चार्ज के समय अदर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये पेशेंट छूटकर जा रहा है, इसको हम यहाँ से डिस्चार्ज करें। नेक्स्ट, चेक पेमेंट ऑफ द बिल, बिल का पेमेंट चेक करना। नेक्स्ट, हॉस्पिटल ग्लोसरीज टेकन द पैक, हॉस्पिटल का कोई भी ग्लोसरीज है उसको वापस लेना। नेक्स्ट, रिटर्निंग ऑफ द पर्सनल बिलोंगिंग मीन्स कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग को वापस करना। अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट और लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन। तो ये असेंशियल ऑफ प्लान डिस्चार्ज।
नेक्स्ट स्टेप्स इन डिस्चार्ज प्लानिंग, डिस्चार्ज प्लानिंग के स्टेप्स देखते हैं यहाँ पर। इवेल्यूशन ऑफ द पेशेंट बाय क्वालिफाइड पर्सनल्स, मीन्स जो भी क्वालिफाइड पर्सनल्स हैं, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर, वो एक डिस्चार्ज को एक फिक्स करेगा, प्लान करेगा। नेक्स्ट डिस्कशन विद पेशेंट और हिज रिलेटिव्स, डिस्कशन डिस्चार्ज के समय पेशेंट और उसके रिलेटिव्स फैमिली मेम्बर से डिस्कशन करना। नेक्स्ट प्लानिंग फॉर होम कमिंग और ट्रांसफ़र टू अदर प्लेस, और पेशेंट को डिस्चार्ज घर पे या किसी दूसरे हेल्थ केयर सेटिंग में भेजने का प्लानिंग करना। नंबर फोर्थ, डिटरमाइन इफ केयर गिवर ट्रेनिंग और फॉर अदर सपोर्ट। इसके साथ साथ जो केयर गिवर पेशेंट को घर पे ट्रीटमेंट देगा, केयर प्रोवाइड देगा, उसको ट्रेनिंग देना, उसको एजुकेट करना। नेक्स्ट नंबर फिफ्थ, रेफरल टू होम केयर एजेंसीज और अप्रोप्रिएट सपोर्ट, या फिर दूसरी हेल्थ केयर एजेंसीज को रेफर करना और अप्रोप्रिएट सपोर्ट प्रोवाइड कराना। नंबर सिक्स, अरेंज फॉर फॉलो अप अपॉइंटमेंट और टेस्ट। इसके साथ साथ पेशेंट को फॉलो अप ट्रीटमेंट टेस्ट के लिए एडवाइज करना। नेक्स्ट देखते हैं नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी इन डिस्चार्ज। फर्स्ट, प्रिपरेशन फॉर डिस्चार्ज, प्लानिंग इन द बिगनिंग। नंबर सेकंड, प्लान फॉर रिहेबिलिटेशन एंड फॉलोअप। नंबर थर्ड, टीच नर्सिंग प्रोसेस टू बी कंटिन्यूड एट होम, गेट इट्स प्रैक्टिस। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट। नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है मीन्स डिस्चार्ज से पहले, तो इसमें फर्स्ट है प्लानिंग इन द बिगनिंग, डिस्चार्ज पहले प्लानिंग करना, और नंबर सेकंड प्लान फॉर रिहेबिलिटेशन एंड फॉलोअप, रिहेबिलिटेशन फॉलोअप का प्लान करना। टीच नर्सिंग प्रोसीजर टू कंटिन्यू एट होम, घर पर जो भी केयर गिवर होगा उसको नर्सिंग प्रोसेस के बारे में एडवाइस करना, और पेशेंट का ट्रांसपोर्ट अरेंज करना। ड्यूरिंग डिस्चार्ज सी डॉक्टर सिटिंग ऑर्डर, एक्सप्लेनेशन, हैंड ओवर पर्सनल बिलोंगिंग, चेक एंड रिसीव एनी हॉस्पिटल प्रॉपर्टी, कन्फर्म बिल पेड, इन्फॉर्म अदर डिपार्टमेंट रिगार्डिंग डिस्चार्ज, अरेंज ट्रांसपोर्ट, डामा चेक, कंसेंट। डिस्चार्ज के समय क्या करना है हमको, डॉक्टर्स ऑर्डर देखना है कि डिस्चार्ज है कि नहीं, और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करना है, जो भी पर्सनल्स बिलोंगिंग उनको हैंड ओवर करना है, और हॉस्पिटल यूनिट वार्ड की जो भी प्रॉपर्टीज को चेक करना है, बिल को कंफर्म करना है, और अदर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट रिलीव हो रहा है, और ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट करना, और डामा एलामा चेक करना है। आफ्टर डिस्चार्ज डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन करना है कि इस पेशेंट को हमने रिलीव कर दिया है, एंड केयर ऑफ द पेशेंट रूम और आर्टिकल, मीन्स जो भी पेशेंट के आर्टिकल से रूम का रूम है उसका केयर करना है। नेक्स्ट, नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी इन एमएलसी डिस्चार्ज। एमएलसी मीन्स जो मेडिकल लीगल इश्यूज हम एडमिशन प्रोसीजर में पढ़ चुके हैं, जो भी फर्स्ट वीडियो था हमारा एडमिशन प्रोसीजर, उसके अंदर हम एमएलसी को डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर केवल हम नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी इन एमएलसी देखते हैं। यहाँ पर चेक फॉर मेडिकल लीगल हिस्ट्री, पेशेंट का जो भी मेडिकल लीगल हिस्ट्री उसको चेक करना। नोटिफाई मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज, डिस्चार्ज के समय जो भी मेडिकल ऑफिसर है रिलेटेड टू एमएलसी उसको नोटिफाई करना। एब्सकॉन्ड केसेस इमिडिएटली कॉन्टैक्ट, मीन्स जो पर्सन पेशेंट बिना बताए हॉस्पिटल से लीव हो रहे उसको इमिडिएटली हमको मेडिकल ऑफिसर को बताना है, इंचार्ज को बताना। मेंटेन ऑल डॉक्यूमेंट इन प्रॉपर मैनर, जो भी पेशेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट उनको प्रॉपर मेंटेन करना है। और नेक्स्ट, टेकिंग इन रिटन हैंडलिंग ओवर एंड टेकिंग आर्टिकल्स, जो भी हैंडलिंग आइटम्स आर्टिकल्स उनको लेना है। नेक्स्ट, नेवर डिस्चार्ज पेशेंट विदाउट रिटन ऑर्डर बाई फिजिशियन, और बिना किसी विदाउट फिजिशियन ऑर्डर पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं करना, तो ये हमको ध्यान रखना है। एमएलसी के समय नर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये था वीडियो जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज प्लानिंग प्रोसेस, स्पेशल कंसिड्रेशन, मेडिकल लीगल इश्यूज एंड रोल एज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स को हमने लर्न किया।
तो फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा, इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद अवर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल याना नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन एंड प्रेस बेल आइकॉन ऑल्सो, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिसके जिसके कारण आपके पास हमारे सारे वीडियोज़ टाइम टू टाइम नोटिफाई होते रहें, पहुँचते रहें। हमने यहाँ पर बहुत सारे नर्सिंग रिलेटेड नोट्स, स्टडी मटेरियल, वेरियस नर्सिंग सब्जेक्ट नोट्स को डाले हुए हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।